आसमा और आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन सिरमौर जिला में पहली बार किया गया। इसमें जिला के स्कूलों से ऑनलाइन और ऑफलाइन संवाद किया गया था। उनसे स्कूलों की स्थिति, शिक्षा के स्तर और शिक्षा की गुणवत्ता पर फीडबैक लिया गया। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को उच्च बनाना और जहां पर शिक्षक संस्थानों में सुविधाओं की कमी है उनका निवारण करना था। डाइट संस्थान के प्रधानाचार्य राजीव ठाकुर ने बताया कि शिक्षा संवाद कार्यक्रम आयोजित करने का प्रमुख उद्देश्य शिक्षा में सुधार लाना है। प्रधानाचार्य राजीव ठाकुर ने बताया कि जिला में पहली बार शिक्षा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें स्कूलों में अभिभावकों से स्कूल में शिक्षा का फीडबैक लिया जा रहा है। इन सभी समस्याओं और सुझावों पर अमल करने के उद्देश्य से ये आयोजन किया गया। नाहन से हमारे संवाददाता जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। सभी पाठशालाओं में जो है वो आज शिक्षा संवाद जो है वो का आयोजन हो रहा है, क्योंकि हम निरंतर काम करते हैं और एक दिन हमने विभाग ने हमारे समग्र शिक्षा ने ये निर्णय लिया है कि साल में चार बार हम जो है शिक्षा संवाद का आयोजन जो है वो करेंगे। और ये इसलिए होता है कि बच्चा भी, विद्यार्थी भी हमारे साथ है, अध्यापक भी हमारे साथ है और उसके अभिभावक भी वहाँ पर आए और आपस में एक संवाद स्थापित करें बच्चों की शिक्षा को लेकर, कि वहाँ पर क्या बच्चों की शिक्षा के लिए उचित माहौल है या नहीं है, क्या वहाँ पर उनका जो शिक्षण प्रक्रिया चली हुई है वो ठीक से चली हुई है कि नहीं चली है। तो ये एक संवाद के माध्यम से अभिभावकों को मौका मिल जाता है अध्यापकों से बात करने का, ताकि आने वाले समय में अगर कोई कमियां हैं तो उसके लिए कोई ठोस नीति बनाई जा सके, ताकि बच्चों की जो शिक्षा है वो प्रक्रिया जो है वो बाधित ना हो और वो अच्छे से काम चले। साथ साथ जो है वो पूरे जो है वो जिला के कई अभिभावकों के साथ जो है वो जुड़ रहे हैं और आज हमने VC का प्लान किया था, तो कई स्कूलों के जो पेरेंट्स हैं वो सीधा हमसे भी, जहां वो अपने पाठशाला प्रबंधन के साथ अपनी बात रख रहे हैं, वो सीधे सीधे आज हमसे भी बात जो है वो सीधा कर रहे हैं। कई अभिभावकों से भी बात हुई है। अधिकतर अभिभावकों का कहना है कि वो अपनी पढ़ाई से जो है वो जो बच्चों की जो पढ़ाई पाठशाला में चल रही है उससे वो संतुष्ट हैं। ये अलग बात है कि बहुत जगह वैकेंसीज भी चली हुई हैं, तो जैसे कि आप जानते ही हैं हम उनको संतुष्ट कर रहे हैं कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने, ये माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ये बिल्कुल स्पष्ट किया है कि लगभग 6000 के पद जो है वो हमारे शिक्षा विभाग में अध्यापकों के भरे जाने हैं। तो जिनकी ये समस्याएं हैं कि अध्यापकों के पद खाली चल रहे हैं, बहुत जल्दी वहाँ पर अध्यापक भी पहुँचेंगे और हम ये भी देखेंगे कि कहीं पर अगर एनरोलमेंट कम है वहाँ पे अध्यापक 2 या 3 हैं, और कहीं पर ऐसा है कि एनरोलमेंट ज़्यादा है लेकिन अध्यापक कम है, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए भी हम विभाग से, माननीय शिक्षा निदेशक महोदय से इसका अप्रूवल लेंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।